Hello friends, so today we are going to talk about the topic of reproductive health, and this will be two. So let us start with the topic of reproductive health. In this topic, we'll be talking about the different methods of contraception. So here in the previous lecture, we have already seen the types. Types mein humne dekha tha ki temporary or permanent hota hai. Temporary mein natural, chemical or mechanical. Permanent mein vasectomy or tubectomy aayega. नेक्स्ट सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट दैट इज द टेम्पररी मेथड या इसे हम नेचुरल मेथड्स उसमें हम इंक्लूड करेंगे. पहला है नेचुरल मेथड्स. वो इस प्रिंसिपल पे होता है कि अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ मीटिंग स्पर्म एंड ओवा. मतलब नेचुरल मेथड्स में कोई मेडिसिन नहीं ली जाती, सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखा जाता है कि स्पर्म को ओवम से मीट ना होने दो, मतलब दोनों को मिलने ना दो. तो उसमें तीन मेथड्स हम देखेंगे. एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया और थर्ड हम देखेंगे वो है कोइटस इंटरप्टस. तो जो ये पहली मेथड है दैट इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, राइट. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम बात करेंगे, द फर्स्ट वर्ड विच इज गिवन इज नोन एज पीरियोडिक, ओके, एंड द सेकेंड वर्ड विच इज गिवन इज एब्स्टिनेंस, राइट. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या हुआ कि इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए जिस दिन में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है. तो वी नो दैट कि अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने देखा था कि 10 टू 17 जो होता है वो फर्टाइल पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में फीमेल के अंदर ओवा रिलीज होता है. पर्टिकुलरली 14th डे को हमने देखा था कि ओवा रिलीज होता है. तो अगर इस टाइम पे अनसेफ सेक्स हो रहा है, या तो फिर हम कहें कि इंटरकोर्स हो रहा है जिसमें कॉन्डम या कुछ यूज नहीं कर रहा है, तो 100% चांसेस है कि फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब ये है कि इस ड्यूरेशन में अगर सेक्स होता है तो वो सेफ सेक्स होना चाहिए, मतलब कॉन्डम या कुछ भी यूज होना चाहिए, या तो फिर अनसेफ सेक्स तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. इफ अगर हम कहें कि अगर कोई बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तो अनसेफ कोइटस मस्ट बी अवॉइडेड. तो इस पीरियड में हमें क्या करना है कि जो कुछ भी व्हाट वी कैन से 10 टू 17 डेज का जो पीरियड है उसमें अनसेफ सेक्स शुड बी अवॉइडेड, मतलब अनसेफ कोइटस शुड बी अवॉइडेड. उसे हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. और इसे दूसरा नाम इसे हम फर्टिलिटी अवेयरनेस भी कहा गया है, ओके. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलिटी अवेयरनेस, रिमेंबर दिस. और ये नेचुरल मेथड है, इसमें कोई भी मोर्गन से कोई भी मेडिसिन या इसका यूज किया नहीं. नाउ द सेकेंड मेथड विच इज इंक्लूडेड इन नेचुरल मेथड इज कोइटस इंटरप्टस. तो कोइटस इंटरप्टस की अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड टू वर्ड्स ओवर हियर. द फर्स्ट इज कोइटस, मतलब हुआ इंटरकोर्स, राइट. सो ये जो पहला वर्ड है इसका मतलब होता है इंटरकोर्स, राइट. सो दिस इज वॉट यू कॉल इट एज इंटरकोर्स. और इंटरप्टस, इंटरप्टस का मतलब होता है इंटरप्ट करना, राइट. तो अगर इंटरकोर्स को इंटरप्ट कर देते हैं, राइट, कब इंटरप्ट करना है, जैसे ही पेनिस इरेक्ट होता है और इजैक्युलेट होने वाले होते हैं सिमेन में, सिमेन वजाइना के अंदर, तो उस टाइम पे वजाइना में से पेनिस को निकाल लेना होता है और उसे विड्रॉ करके सिमेन का जो इजैक्युलेशन होता है वो फीमेल की बॉडी में ना करके बाहर होता है. तो इसीलिए सिमेन बॉडी में एंटर ही नहीं होता, तो स्पर्म भी एंटर नहीं होते, और इस मेथड को हम कहते हैं पुल आउट, या तो फिर वी कॉल इट एज विड्रॉल. सो वी कैन से अल्टीमेटली इट प्रिवेंट्स इनसेमिनेशन. नाउ नेक्स्ट मेथड इज नोन एज लैक्टेशनल एमेनोरिया. उसे हम, उसका दूसरा वर्ड है पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी, ओके. लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क. अब हमें पता होता है कि पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद में मदर फीड्स द चाइल्ड विथ हर मिल्क. तो जब वो उसे मिल्क
देती है, मतलब जब भी वो न्यूट्रिशनल बेसिस पे मदर पे डिपेंडेंट होता है बच्चा, तो उस टाइम पे मदर के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और उसकी वजह से एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे ही बच्चा हुआ कि उसके 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक माना जाता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट। और लैक्टेशन का मतलब होता है लैक्टेशनल पीरियड, यू नो, मिल्किंग पीरियड। तो मिल्किंग पीरियड के दौरान जो मदर होती है उसके अंदर क्योंकि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होता, और इसी वजह से वो इनफर्टाइल होती है। तो ये 6 मंथ्स एक नेचुरल मेथड है कि भाई उस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेचुरल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। अब ये नेचुरल मेथड्स में हमने कोई मेडिसिन या डिवाइसेस यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट, सो टेम्पररी मेथड्स में नेचुरल मेथड्स के एडवांटेजेस क्या है कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सेकेंडली, कोई मेडिसिन या डिवाइसेस यूज नहीं करने पड़ते। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज है कि चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई। हो सकता है कि अभी सपोज लैक्टेशनल एमेनोरिया है, तो हो सकता है कि कोई फीमेल शायद उस टाइम पे फर्टाइल हो और उसे प्रेगनेंसी रह जाए अगर अनसेफ सेक्स हुआ तो। सेकेंडली, कॉइटस इंटरप्टस में इवन अ ड्रॉप ऑफ सीमेन अगर वजाइना के अंदर हो गया इंसेमिनेशन, तो वो भी इनफ है प्रेगनेंसी करने के लिए। मतलब ये जो नेचुरल मेथड्स है इसमें चांसेस ऑफ फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेम्पररी मेथड्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल मेथड्स। और केमिकल मेथड्स में सबसे पहले हम स्पर्मिसिडल्स के बारे में बात करेंगे। स्पर्मिसिडल, स्पर्मी मतलब स्पर्म्स, साइडल मतलब क्लियर, जो किल करे, जो स्पर्म को किल करे, वैसी सब चीजें जैसे कि क्रीम, जेल्स, फोम्स आर यूज्ड। अब विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेटर, एक स्टिक जैसा होता है, तो वजाइना के पास या कर्विक्स के अंदर क्रीम, जेल्स या फोम्स लगाया जाता है प्रायर टू कॉइटस। तो वो क्या करेगा, वो सारा म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिक हो जाता है, वो जो कुछ भी लगाया है, क्रीम या जेल या फोम, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिक हो जाता है, राइट। और स्पर्म अगर अंदर एंटर होते हैं तो वो स्पर्म को ऑक्सीजन अपटेक नहीं करने देगा, क्योंकि वहां पे वो पूरा फोम जैसा हो जाता है, तो इनहिबिट ऑक्सीजन अपटेक। इस वजह से स्पर्म की मोटिलिटी अफेक्ट हो जाएगी और स्पर्म ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं करेगा और कर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली स्पर्म डाइज। यू कैन से स्पर्म डाइज बिकॉज इफ इट इज डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। सो जनरली वो सर्वाइव ही नहीं करता, या तो फिर हम कह सकते हैं उसकी मोटिलिटी अफेक्ट हो जाएगी स्पर्मेटोसाइडल एजेंट से, राइट, और वो अनेबल टू कर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो स्पर्म और ओवा मीट ही नहीं हो पाएंगे, तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे एक स्पर्मिसाइड करके मैंने आपको एक डायग्राम, फिगर, इमेज दिखाई है। नेक्स्ट जो है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे हम फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस भी कहते हैं। उसमें प्रोजेस्टोजेंस होते हैं और एस्ट्रोजन होते हैं। प्रोजेस्टोजेंस क्या है, तो ये एक नेचुरल ही चीज होती है जो प्रोजेस्टेरॉन की सब टाइप है। तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली, बट याद रखना इट इज नॉट प्रोजेस्टेरॉन, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। आप कह सकते हो कि ये एक प्रोजेस्टेरॉन का टाइप है, तो आप जब भी लिखो तो प्रोजेस्टेरॉन मत लिखना, यू हैव टू राइट प्रोजेस्टोजिन। और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में पिल्स होती है, पिल्स का मतलब होता है टैबलेट्स। ये इनकी इफेक्ट होती है कि ये FSH और LH को इनहिबिट करता है और उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता, और ओव्यूलेशन को ये चेक करती है, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। कर्विक्स का म्यूकस थिक हो जाता है ताकि एंट्री ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म की एंट्री है वही वहां पे इनहिबिट हो जाए और स्पर्म मोटाइल ना रहकर स्पर्म की डेथ हो जाती है। तो वी कैन से दैट ये ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और सर्वाइकल म्यूकस को, कर्विक्स के म्यूकस को वो थिक कर देता है, ठीक है। और ज्यादातर ये 72 आवर्स, सपोज कोई अनसेफ इंटरकोर्स या कॉइटस हुआ है,
तो उसके 72 आवर्स में अगर ये पिल्स ले ली तो इजिली प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड। और अगर उसको कंटिन्यूटी में, जैसे कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है, जैसे कि किसी को बच्चे अभी नहीं चाहिए, तो इट कैन बी टेकन फॉर 21 डेज कंटिन्यूसली। सिर्फ जो 5 दिन मेंस्ट्रुएशन के होते हैं उस टाइम पे ये टैबलेट नहीं ली जा सकती। एग्जाम्पल यहाँ पे एक सहेली पिल्स दिया है जो नॉन स्टेरॉयडल होता है, जिसकी एकदम लीस्ट साइड इफेक्ट्स है और उसकी कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू बहुत हाई है। और ये डेवलप हुई है CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। तो ये रहा आपका, हमने जो बात किया है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लांट्स। नाउ इम्प्लांट्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये है इम्प्लांट्स, राइट। इम्प्लांट्स एक स्टिक जैसा होता है, मैच स्टिक जैसा होता है, और वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजन का। इस इम्प्लांट्स को स्किन के नीचे, जनरली बिनीथ द आर्म्स, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे रखा जाता है, राइट। या तो फिर यूटरस के अंदर इसे सर्जिकली या फिर एक माइनर कट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये भी विद इन 72 आवर्स बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो दिस ऑल्सो कैन बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट टेम्पररी मेथड में अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड के बारे में। तो बैरियर मेथड को हम मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। इन दिस फर्स्ट, इसका जो प्रिंसिपल है, ओवा एंड स्पर्म्स आर नॉट अलाउड टू मीट। अब इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे कॉन्डम्स के बारे में। वी ऑल नो व्हाट आर कॉन्डम्स, राइट, वी ऑल आर अवेयर ऑफ। ओके, एग्जाम्पल निरोध। कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ लेटेक्स और रबर, और बोथ मेल और फीमेल दोनों के कॉन्डम्स होते हैं। ओके, सो बोथ कैन यूज द कॉन्डम्स। जनरली इन मेल इट कवर्स द इरेक्ट पेनिस। ओके, तो सीमेन जो कुछ भी निकलने वाला है वो कॉन्डम में ही कलेक्टेड रहेगा, और जो कुछ भी सीमेन है वो फीमेल के वजाइना में नहीं जाएगा। अल्टीमेटली यू कैन से दैट ये है मेल का कॉन्डम, सो यू कैन सी दैट द वी कैन सी दैट द स्पर्म इज गेटिंग और द सीमेन इज गेटिंग कलेक्टेड ओवर हियर, एंड इट डज नॉट एंटर्स थ्रू हियर, इट डज नॉट एंटर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल इससे प्रेग्नेंट नहीं होती। ये है, ये फीमेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम भी यहाँ से सील होता है, ठीक है। तो फीमेल का जो कॉन्डम है वो कर्विक्स और वजाइना को कवर करता है, तो उसकी वजह से सारे जो स्पर्म्स रहेंगे वो यहाँ पे ही कलेक्टेड रह जाएंगे, यहाँ से वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, राइट, सो दे कैन नॉट क्रॉस फ्रॉम हियर। एंड सो ज्यादातर लोग एज अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कॉन्डम्स ही यूज करते हैं, राइट। इसका एडवांटेज ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी अवेलेबल से अवॉइड करता है, इजीली अवेलेबल है, चीप है, और इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट, डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, वॉल्स है, ये भी रबर के ही बने हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये कर्विक्स को कवर करता है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे कर्विक्स को ही कवर करता है। तो फीमेल में जनरली जो एरिया कवर होता है दैट इज कर्विक्स, राइट। तो और शेप के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है, ये जो है दैट इज वोल्ट कैप, द अनदर वन दिस वन इज अ डायाफ्राम, दिस इज वी म्यूल, राइट, एंड दिस इज कैप। सो दिस ऑल आर गोइंग टू कवर द कर्विक्स, एंड लेट मी टेल यू दैट दे आर रीयूजेबल, सो वंस यूज दे कैन बी यूज अगेन आफ्टर वॉशिंग इट, ओके, एंड इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्पररी मेथड, उसमें वापस हम बात करेंगे बैरियर मेथड या मैकेनिकल मेथड, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं, IUDs जिसे कहा गया है, राइट, सो इट इज ओनली फॉर फीमेल। इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल और हार्मोनल डिवाइसेस, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। यूटेरस में कोई एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट वजाइना के थ्रू इसे प्लेस किया जाता है, और ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एग को प्रिवेंट करके इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। तो आपको हर एक डिवाइस का मोड ऑफ एक्शन याद रखना है कि उसका फंक्शन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये कॉपर है, कॉपर का बना हुआ है, और दिस वन इज द हार्मोनल IUD।
So it can be made up of plastic, metal or hormonal devices. IUDs की तीन टाइप है. फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है, वो नॉन मेडिकेटेड है, मतलब उस पर कोई मेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते. और उसकी एग्जाम्पल में आएगा लिपिस लूप. रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ आईयूडीज और उनके फंक्शन. और ये फेगोसाइटोसिस कर देता है स्पर्म्स का, और जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ हो जाती है. सेकेंड जनरेशन आईयूडी है कॉपर टी. कॉपर टी का एग्जाम्पल में आप कॉपर टी, कॉपर सेवन, सेवन उसके कैरेक्टरिस्टिक शेप के ऊपर से होता है. और दूसरा एक है वो है मल्टी लोड 375. तो ये सारे एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन आईयूडी के, जिसे हम कहते हैं कॉपर टी. इट रिलीजेस कॉपर आयन, सप्रेसेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म. जो कुछ भी कॉपर आयन यहाँ से रिलीज होंगे वो स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट कर देते हैं, मतलब स्पर्म इमोटाइल हो जाते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रिड्यूस कर देते हैं. थर्ड जनरेशन है वो है हार्मोनल. और हार्मोन्स में मेनली वही प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, या तो फिर सिर्फ प्रोजेस्टोजेंस होते हैं. ये यूटेरस को अनसूटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, रिमेम्बर दिस, ओके. और कर्विक्स को हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब क्या, वो स्पर्म को किडनैप कर लेता है वहीं पे और उसको आगे नहीं बढ़ने देता. सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोनल आईयूडी. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये भी प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का होगा या तो फिर प्रोजेस्टेशन होगा. ये भी याद रखना, हर एक जो आईयूडीज है उसके आपको फंक्शंस याद रखने हैं, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट जनरेशन. अब आईयूडीज का हम इम्पोर्टेंस देखते हैं. जनरली लोग अगर फीमेल, पर्टिकुलरली फीमेल अगर डिले चाहती हो चाइल्ड के अंदर, तो ये यूटेरस में प्लेस किया जा सकता है एंड इट इज इफेक्टिव. इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया. अ परमानेंट मेथड है, इसे हम कहते हैं कंप्लीट स्टरिलाइजेशन. क्यों कंप्लीट स्टरिलाइजेशन? क्योंकि इसके बाद हम वापस कंडीशन को नॉर्मल नहीं कर सकते. ये एक सर्जिकल मेथड है, माइनर सर्जरी की जाती है. मेल के अंदर इसे कहते हैं वेसॉक्टोमी और फीमेल के अंदर इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. तो रिमेंबर दिस वर्ड्स, अगेन इंपॉर्टेंट. इन मेल इट इज नोन एज वेसॉक्टोमी एंड इन फीमेल इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, तो मेल के अंदर स्क्रॉटम के अंदर इंसिजन किया जाता है छोटा सा, और वैस डिफरेंस का छोटा सा पार्ट कट किया जाता है या और उसको टाइट किया जाता है, ताकि स्पर्म की जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लॉक हो जाती है. जनरली ये स्पर्म गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक करता है दोनों ही मेथड. यहाँ पे इन ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल में की जाती है, स्मॉल इंसिजन इज मेड इन एब्डोमेन. एब्डोमेन में एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है, या तो फिर वजाइना के अंदर से एक छोटा सा इंसिजन करके वजाइना के थ्रू इंसिजन किया जाता है. ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब के छोटे से पार्ट को कट किया जाता है और उसे टाइट किया जाता है. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका मतलब कैसा प्रोसेस होता है. तो ये है, देखो वेसेक्टोमी मेल में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैस डिफरेंस है इसे कट किया गया है, राइट. सो यू कैन सी दैट द वैस डिफरेंस ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर, राइट. आई कैन जस्ट शो यू दिस, राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू ओवर हियर. द वैस डिफरेंस इज कट एंड टाइड. तो यहाँ से मतलब जो टेस्टिस से, ये टेस्टिस से होके निकलने वाले स्पर्म्स आगे जाएंगे और यहीं पे ये ब्लॉक हो जाएंगे, यहां से वो आगे नहीं जा पाएंगे, राइट. यहां से आगे नहीं जा पाएंगे, तो यहां से आगे नहीं जा पाएंगे तो नेचुरली सिमेन का फॉर्मेशन, सिमेन सिर्फ अकेला सिमेन, सेमिनल फ्लूइड ही निकलेगा, स्पर्म तो यहीं पे रह जाएंगे. तो कोई चांसेस नहीं कि अगर ऐसा कोई सेमिनल प्लाज्मा फीमेल की बॉडी में जाए तो प्रेगनेंसी रहे. सो द सेकेंड वन एज यू कैन सी ओवर हियर इज ट्यूबेक्टोमी, राइट. ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है. फीमेल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले पार्ट में फेलोपियन ट्यूब्स को टाई करके कट किया गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बोथ द साइड्स, राइट.
तो यहां से जो कुछ भी ओवा रिलीज होंगे वो यहां से ट्रांसपोर्ट आगे नहीं होंगे, दिस वे ओवर हियर देयर पाथ इज ब्लॉक. तो मेनली यहां पे गैमेट्स का पाथ ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता. वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में सर्जिकली है, तो कोई अच्छा क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल करे तो अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव होता है ये, मतलब बहुत ही इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है. मतलब क्या कि अगर एक बार सर्जरी हो गई और आप चाहो कि वापस फिर बच्चे होने चाहें तो वो नहीं हो सकता. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी.